हेलो दोस्तों, मेरा नाम है तौहीद और यूनिक क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग सोर्स ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में देखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने आइडियाज ऑफ हिस्ट्री का पार्ट वन पढ़ा था, उसमें मैंने आप लोगों को टाइप्स ऑफ हिस्ट्री, एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न उसके बारे में इन डिटेल बताया था। आज हम लोग सोर्स हिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स एंड हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट, आज हम लोग बहुत सारे टॉपिक्स देखेंगे। बहुत सारे बच्चे मुझे ये भी कह रहे थे कि सर कुछ क्वेश्चंस दे दें, तो मैं क्वेश्चंस के लिए अलग से कोई वीडियो नहीं बनाऊंगा। मैं आपको जो वीडियोस पढ़ाऊंगा, जैसे कि मैं जब आप लोग को सोर्स हिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स पढ़ाऊंगा, हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट पढ़ाऊंगा, तो उसी वही पढ़ाते वक्त मैं बहुत सारे क्वेश्चंस आपको स्पोर्ट्स से रिलेटेड, क्रिकेट से रिलेटेड आपको दे दिया करूंगा, जो आपके एग्जाम के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट होंगे। ओके, तो अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो कल हमने देखा था टाइप, आज हम देखेंगे सोर्स। तो सोर्स क्या है हमारा? सोर्स कुछ भी हो सकता है, हमको कैसे पता चलता है पुराने ज़माने की चीज़ों के बारे में? तो हो सकता है लिखी हुई चीज़ हो, कहीं लिखा हुआ हो सकता है उन लोगों ने, यानी हमारे पूर्वजों ने जो पहले थे उन्होंने कोई कहीं पे कोई निशान बनाया हुआ, जैसे हम लोग पत्थरों पे केव में अलग अलग निशान बना हुआ देखते हैं। उस ज़माने के कॉइन्स, उस ज़माने के सामान, ये सब हमारा सोर्स है उस ज़माने के बारे में पता करने के लिए। तो सोर्स को हम लोग तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है हमारा लिटरेरी सोर्स, दूसरा हमारा आर्कियोलॉजिकल सोर्स और तीसरा हमारा अकाउंट्स ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स एंड राइटर्स। लिटरेरी सोर्स मतलब लिखी हुई बातें। फिर हम लोग फर्दर चाहें तो इसको तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है हमारा रिलीजियस, दूसरा होता है हमारा सेकुलर और तीसरा होता है हमारा संगम। रिलीजियस हम समझ रहे हैं रिलीजियस किताबें, जैसे कि हमारा वेदा है, ब्रह्मा है, पुराणास है, उपनिषद है, ये सारी जो रिलीजियस किताबें हैं, चाहे वो किसी भी धर्म की हो, चाहे हिंदुइज्म की हो, चाहे बुद्धिज्म की हो, चाहे जैनिज्म की हो, इन किताबों से भी हमें उस वक्त के बारे में पता चलता है कि उस वक्त के लोग कैसे थे, उन्हें क्या पसंद था, वो क्या करते थे, उस वक्त का कानून क्या था। तो हमें इन किताबों को पढ़ने से उस ज़माने के बारे में पता चलता है, यानी हमें पुरानी हिस्ट्री पता चलती है। ओके, रिलीजियस ये सिर्फ एक धर्म की बात नहीं हो रही है, हमारी जैन धर्म की भी किताबें हो सकती हैं, बुद्ध धर्म की भी किताबें हो सकती हैं, हिंदुइज्म की भी किताबें हो सकती हैं। दूसरा सेकुलर बुक और तीसरा संगम, रिलीजियस लिटरेचर, सेकुलर लिटरेचर और संगम लिटरेचर। लिटरेचर सोर्स में तीन आता है हमारा। फिर आता है हमारा आर्कियोलॉजिकल सोर्स। आर्कियोलॉजिकल सोर्स कोई बिल्डिंग, कोई केव, कोई केव में कोई निशान बना हुआ, कोई केव, कोई कॉइन, कोई पेंटिंग, हमारा ये सब क्या हमारा आर्कियोलॉजिकल सोर्स में आता है। जैसे कि पेंटिंग्स एंड इडल्स, उस जमाने की मूर्ति, उस जमाने कोई पेंटिंग। ओके, तो वो सब क्या है हमारा उस जमाने के बारे में बताते हैं हमें। अगर दीवार पे उन लोगों ने, केव के दीवार पे बहुत सारे निशान बनाए हुए थे, जिससे हमें उस जमाने के बारे में हम लोग अंदाजा लगाते हैं कि वो लोग क्या करते थे, क्या पसंद करते थे, उस तरह खेल कूद कैसा था, वो लोग शिकार कैसे करते थे, एक हमें एक आइडिया मिलता है। तो हमारा पेंटिंग एंड इडल्स, मोनूमेंट्स, ओके, और कॉइन्स, कॉइन्स में भी अक्सर जो राजा होते थे उन्हें जो चीज़ पसंद होता था, उन्हें शिकार पसंद है, तो शिकार करते हुए उनका जो टॉपिक था, उस शिकार करते हुए उनका जो ये था पोस्टर था, वो उसको कॉइन में डलवाते थे। उन्हें अगर वो कोई संगीत पसंद है तो वो उस इंस्ट्रूमेंट को बजाते हुए उनका ये होता था, कॉइन्स में होता था। ठीक है, आर्टिकल्स जो हमें खुदाई के वक्त केव से मिलती है, और हमारा इंस्क्रिप्शन, कोई किताबें, इंस्क्रिप्शन वगैरह। ओके, और अकाउंट्स ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स एंड राइटर्स, बाहर से आए लोग। हम लोग शुरू से एंशिएंट हिस्ट्री में, मेसोपोटामिया, हरप्पन सिविलाइजेशन में भी हम लोग क्या है, बाहर के लोगों से हम लोग क्या करते हैं, डीलिंग करते हैं। बाहर के लोगों से हम लोग तिजारत मीन्स हम लोग व्यापार करते हैं, अपना सामान उन्हें, उनका सामान हम, ये करते हैं हम लोग। तो उस जमाने में ग्रीक के लोग, चाइनीज के लोग, मोहम्मेडन, ये लोग जो थे आए यहाँ, तो देखा इनके यहाँ के बारे में, उन्होंने अपने किताबों में लिखा, तो उनकी किताबों से भी हमें पता चलता है कि उस वक्त हिंदुस्तान कैसा था। तो ये था हमारा सोर्स। ठीक है, मेनली तीन थे हमारे, लिटरेरी सोर्स, आर्कियोलॉजिकल सोर्स और अकाउंट ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स एंड राइटर्स। इसको मैंने फर्दर डिवाइड करके आपको समझाने की कोशिश की। इसी के साथ साथ हम लोग हिस्ट्री को मैंने टाइप कल देखा था, और वैरायटी ऑफ हिस्ट्री, मैंने टाइप ऑफ हिस्ट्री हम लोग और सारा देख सकते हैं, जैसे कि हमारा लोकल हिस्ट्री होता है, माइक्रो हिस्ट्री होता है और ओरल हिस्ट्री होता है। ओरल हम लोग ओरल एग्जाम देते हैं, माउथ टू माउथ, यानी कोई चीज़ माउथ टू माउथ आगे बढ़ती जा रही है। ओरल हिस्ट्री, लोकल हिस्ट्री, हर इलाके की कुछ ना कुछ हिस्ट्री होती है, लोकल हिस्ट्री, तो हम लोग फर्दर उसको डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ मैं अभी आपको बात कर रहा हूँ टाइप्स ऑफ हिस्ट्री में। ये मैंने सोर्स ऑफ हिस्ट्री आपको खत्म किया, सोर्स ऑफ हिस्ट्री, लिटरेरी सोर्स, आर्कियोलॉजिकल सोर्स और अकाउंट ऑफ वर्ल्ड ट्रैवलर्स एंड राइटर्स। टाइप्स ऑफ में मैंने कल आपको बताया था एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न के बारे में। अच्छा, लेकिन उसके साथ साथ हम लोग का एक न्यू सोशल हिस्ट्री का भी आगाज होता है। न्यू सोशल हिस्ट्री,
सोशल हिस्ट्री मतलब सामाजिक तारीख, समाज की तारीख, जो हमारा समाज है उसकी तारीख, इसे हम लोग हिस्ट्री ऑफ कॉमन पीपल भी कहते हैं। नॉर्मली जब भी हिस्ट्री के बाद हमारे दिमाग में आती है तो हम ऐसा सोचते हैं कोई किंग है, उसका कोई किंगडम है, उसकी कहानी को हम लोग मान करके चलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जब हिस्ट्री का नाम आता है हम लोग के दिमाग में बाबर आता है, अकबर आता है, मराठास आते हैं, राजपूत आते हैं, ये लोग हमारे दिमाग में आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हिस्ट्री मतलब पुरानी कहानियाँ, सब कुछ उसमें हमारे कॉमन पीपल्स भी तो हैं, उनकी बात कौन करेगा। तो न्यू सोशल हिस्ट्री में हम लोग कॉमन पीपल की बात करते हैं, कॉमन पीपल की हिस्ट्री, यानी किस दौर में, मान लीजिए अगर हम अकबर की बात कर रहे हैं, मराठास की बात कर रहे हैं, तो उस दौर में उस वक्त के कॉमन पीपल कैसे थे, ठीक है, उनको क्या पसंद था, वो कैसे रहा करते थे, उनकी लाइफ स्टाइल क्या थी, ये हम लोग न्यू सोशल हिस्ट्री में डिस्कस करते हैं। तो न्यू सोशल हिस्ट्री का जो 1970 का दौर था, इसे हम लोग कहते हैं गोल्डन एज ऑफ न्यू सोशल हिस्ट्री। ओके, क्या था हमारा गोल्डन एज ऑफ न्यू सोशल हिस्ट्री। अच्छा, न्यू सोशल हिस्ट्री से रिलेटेड बहुत सारी एसोसिएशन बनी थी हमारी। एक हमारा था सोशल साइंस रिसर्च काउंसिल, ये बना था हमारा 1965 ब्रिटेन में, बर्तानिया बना था। उसी तरह सोशल साइंस हिस्ट्री एसोसिएशन, ये बनता है हमारा 1975 में। ओके, देखिए दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, एक हमारे सोशल साइंस रिसर्च काउंसिल जो रिसर्च काउंसिल जो 1965 में ब्रिटेन में बना था, अच्छा दूसरा हमारा हिस्ट्री एसोसिएशन जो हमारा 1975 में बना था। ओके, क्या है सोशल साइंस सामाजिक तारीख यानी हिस्ट्री ऑफ कॉमन पीपल्स। 1970 को हम लोग क्या कहते हैं गोल्डन एज ऑफ न्यू सोशल हिस्ट्री। अब सोशल साइंस रिलेटेड माइकल फॉर्ड ने किताब लिखी थी का नाम था मैडनेस ऑफ सिविलाइजेशन। ओके, मैडनेस ऑफ सिविलाइजेशन किसकी लिखी हुई है, माइकल फॉकॉल्ड। इसमें किसके बारे में बात करते हैं, वो न्यू सोशल हिस्ट्री के बारे में ज़्यादातर बात करते हैं। न्यू सोशल हिस्ट्री की शुरुआत अक्सर ज़्यादातर जो हुई है वो हमारा अमेरिका ब्रिटेन के इलाकों से हुई है। ओके, तो न्यू सोशल हिस्ट्री में हमने 3-4 क्वेश्चन भी देख लिए। पहला क्वेश्चन न्यू सोशल हिस्ट्री का डिफिनेशन, हिस्ट्री ऑफ कॉमन पीपल्स। 1970 को हम लोग गोल्डन एज ऑफ न्यू सोशल हिस्ट्री भी कहते हैं। दो काउंसिल्स बनी थी, सोशल हिस्ट्री रिसर्च काउंसिल 1965 ब्रिटेन में बनी थी और सोशल साइंस हिस्ट्री एसोसिएशन 1975 में बनी थी। उसके साथ साथ माइकल फॉकॉल्ड जो राइटर है उन्होंने किताब लिखी थी मैडनेस ऑफ सिविलाइजेशन। ओके, ये भी इससे रिलेटेड है। तो यहाँ पे हमारा ये बुक है मैडनेस ऑफ सिविलाइजेशन और ये हमारे ऑथर है माइकल फॉकॉल्ड। फिर एक हम लोग सुनने में आता है, आप लोगों ने ऐसे किताब में पढ़ा होगा सबल्टर्न हिस्ट्री, तो कुछ अलग नहीं है ये, कोई अलग कोई भारी चीज नहीं है। सबल्टर्न हिस्ट्री, सबल्टर्न हिस्ट्री इज ऑल्सो नोन एज मदर ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री। सबल्टर्न हिस्ट्री को हम लोग क्या कहते हैं, मदर ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री, जो हमारी मॉडर्न हिस्ट्री उसकी माँ हम लोग सबल्टर्न हिस्ट्री को कहते हैं। और सबल्टर्न हिस्ट्री का जो फादर है, फादर ऑफ सबल्टर्न हिस्ट्री, वो है हमारे रंजीत गुहा। रंजीत गुहा क्या है, फादर ऑफ सबल्टर्न हिस्ट्री। देखिए सबल्टर्न हिस्ट्री को मैं आपको जो जो बात बता रहा हूँ साथ साथ क्वेश्चंस भी बन रहा है, ठीक है। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर हमें क्वेश्चंस चाहिए, तो ये क्वेश्चंस आपको बन रहे हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अगर आपको लिखने की जरूरत हो अब लिख लें, आप स्क्रीनशॉट ले लें, स्क्रीनशॉट ले लें, आपको याद रहेगा तो अच्छी बात है, जैसे आपको ठीक लगे, ठीक है। तो सबल्टर्न हिस्ट्री क्या है, सबल्टर्न हिस्ट्री को हम लोग मदर ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री कहते हैं और सबल्टर्न हिस्ट्री का फादर कौन है, इसके फादर है हमारा रंजीत गुहा, ठीक है। मैंने जो कल आपको हिस्ट्री का टाइप्स बताया था उससे रिलेटेड कुछ वो तो खत्म हो गया था, फिर उसके आगे जो टाइप्स आते हैं उससे जो क्वेश्चंस बनते हैं, मैं आपको बस क्वेश्चंस बता रहा हूँ, आपको कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझा रहा हूँ, इसलिए यहाँ पे कोई बड़ी बात नहीं है, बस क्वेश्चंस आपको यहाँ पे देखना है। अच्छा, साथ साथ हमारा जो कॉलोनियल हिस्ट्री हिंदुस्तान में शुरुआत होती है, ऐसा पूछा जाता है कि वेन कब हिंदुस्तान में कॉलोनियल हिस्ट्री शुरू होती है, तो हिंदुस्तान में कॉलोनियल हिस्ट्री जब ब्रिटिश हिंदुस्तान आए, ब्रिटिश के हिंदुस्तान में आने के साथ क्या है, हिंदुस्तान में कॉलोनियल हिस्ट्री की शुरुआत होती है। तो ये थोड़ा सा था हमारा हिस्ट्री के टाइप से।
नेक्स्ट है हमारा हिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स। हिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स में यूनान का नाम बहुत ही अहम है। ऐसा माना जाता है कि यूनान ही है जिन्होंने स्पोर्ट्स की शुरुआत की। इराक के म्यूजियम में हमें एक गुलदस्ता मिलता है जिसमें हम लोग उसके दीवारों पे गुलदस्ते पे देख सकते हैं कि दो लोग कुश्ती कर रहे हैं। वो गुलदस्ता 2600 BC का है, इतना पुराना है। ओके, यानी हम लोग से पता चलता है कि स्पोर्ट्स आज का नहीं है, कल का नहीं है, बहुत ही पुराना है। ठीक है, और जो फिरौन के मुजस्मे हैं उसमें भी हम लोग को बहुत सारे खिलौने मिले हैं, खिलौना यानी खेलकूद के कुछ चीज़ें मिले हैं। ओके, साथ साथ हम लोग देखेंगे कि वो लोग उस समय में करते क्या थे। तो स्पोर्ट्स आज जो हम लोग देखते हैं कि आज हम लोग क्या है, एज अ फन, एज अ इंटरटेनमेंट उसको यूज़ करते हैं। ओके, क्रिकेट, फुटबॉल हम इंटरटेनमेंट, फिटनेस और फन के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन उस जमाने में ऐसा नहीं था। उस जमाने में जो स्पोर्ट्स था वो लोग रिलीजियस सेरेमनी था, यानी अपने खुदाओं को, अपने गॉड्स को, अपने देवताओं को खुश करने के लिए लोग स्पोर्ट्स खेला करते थे। साथ साथ जब उनके बीच में से कोई मर जाया करता था तो उसको अंतिम संस्कार के वक्त यानी उसको विदा करते वक्त वो लोग स्पोर्ट्स किया करते थे। जैसे कि आज भी आप लोग हिंदुस्तान में देखेंगे बहुत सारे ऐसे कल्चर हैं जिसमें जब कोई मर जाता है तो उसे वो लोग विदा करते होते हैं, जब उसे शमशान घाट के तरफ लेकर के जाते हैं, विदा करते वक्त वो लोग क्या करते हैं कि नाच गाना ये करते हैं। वो लोग, उन लोगों का ये मानना है कि जब कोई जा रहा है, अब कोई वापस आने वाला नहीं है, तो उसे खुशी खुशी विदा किया जाए, किसी को रोते गाते हम लोग को विदा नहीं करना चाहिए। तो उनका कल्चर है, उनका मानना है। ठीक है, ठीक उसी तरह जो यूनान वाले थे, जब उनका कोई बहादुर सिपाही या कोई मर जाता था तो उसे वो लोग कहते थे खेल कूद के जरिए वो लोग उसे विदा करते थे। ठीक है, तो स्पोर्ट्स में, पुराने जमाने के स्पोर्ट्स में चार स्पोर्ट्स बहुत ही अहम है। उन चारों में हमारा ये है, पहला इलिस के ओलंपिया में जो गेम होता था उसे हम लोग ओलंपिक गेम्स कहते हैं। ओके, दूसरा है हमारा कॉर्निथ में जो गेम होता था उसे इस्थमिया गेम्स कहा जाता है। और थर्ड जो हमारा डेल्फी में जो गेम होता था वो हमारा पाइथन गेम्स। और फोर्थ है हमारा ऑर्गोलिस में जो गेम होता था वह क्या है हमारा नीमन गेम्स। तो ये देखिए, ये जो चारों है ना, ये जगह के नाम है इलिस के ओलंपिया में। ओके, कॉर्निथ, डेल्फी और ऑर्गोलिस, ये चारों के चारों हमारा ये प्लेस के नाम है। और इन प्लेस में जो गेम खेले जाते थे ये उन गेम्स के नाम है। तो ये चारों आपको अच्छे से याद रखने होंगे। अक्सर आपको पूछा जा सकता है कि इस इलाके में जो गेम खेला जाता था उस गेम को क्या कहते हैं, या फिर हमसे पूछ दिया कि पाइथन गेम किस कहाँ का है, हमें कहना पड़ेगा वो डेल्फी में है। ये पुराने जमाने के खेल की बात हो रही है। तो इन चारों में जो सबसे ज़्यादा अहम है वो है हमारा ओलंपिक गेम। इन चारों में सबसे ज़्यादा अहम रखता है ओलंपिक गेम। तो ओलंपिक गेम के बारे में हमें इन डिटेल जानना बहुत ही ज़रूरी है, उसके बारे में सब कुछ। तो ओलंपिक गेम की शुरुआत 776 BC में हुई थी। ओके, माउंट ओलंपस, जो पहाड़ था उसे हम लोग माउंट ओलंपस कहते हैं। माउंट ओलंपस, वहीं से इसका नाम पड़ गया ओलंपिक। माउंट ओलंपस में इसे खेला जाता था। और किस गॉड को खुश, जैसे कि मैंने भी आपको बताया कि जो उस वक्त के जो गेम थे वो गॉड को खुश करने के लिए थे। तो गॉड ज्यूस, ये जो गॉड था इसे खुश करने के लिए क्या किया जाता था, ये ओलंपिक गेम खेला जाता था। ओके, तो ओलंपिक गेम में सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ रनिंग थी। ठीक है, बाद में हम लोग गॉड यूज करते हैं पैंथलून। ओके, पैंथ पांच, बाद में से पांच गेम, घोड़सवारी, तीरअंदाजी, बॉक्सिंग, कुश्ती, ये सब इसमें क्या हुए, ऐड हो गए। ये पांच गेम इसमें ऐड हो गया। तो पांच गेम को हम लोग क्या कहते हैं, एक साथ पैंथलून। सबसे पहले मैं फिर से कह रहा हूँ, जब सबसे पहले जब हमारा ओलंपिक खेला जाता था 776 BC में इसकी शुरुआत हुई, माउंट ओलंपस पे खेला जाता था। और किस गॉड के लिए, गॉड ज्यूस के लिए। ओके, उस वक्त सिर्फ रनिंग था, उस वक्त क्या था, सिर्फ रनिंग था। फिर आहिस्ता आहिस्ता ओलंपिक गेम में बहुत सारे गेम ऐड होते गए। तो शुरुआत में जो पांच गेम ऐड हुए, ये जो पांच गेम शुरुआत में ऐड हुए, इन पांचों गेम को एक साथ हम लोग क्या कहते हैं, पैंथलून। अच्छा, तो ओलंपिक खेला जाता, बहुत लंबे समय तक ओलंपिक गेम खेला गया। बाद में रोमन इंपायर थियोडोसिस ने 394 AD में से बंद कर दिया। लेकिन बाद में रोमन इंपायर थियोडोसिस ने क्या किया, उसके ऊपर रोक लगा दी। लेकिन फिर बाद में जो फ्रेंच बोरोन थे उनका नाम है पेरी डी कोबर्टिन। उन्होंने इसे दोबारा 1894 में रिवाइव किया।
यानी इसे दोबारा जिंदा किया, यानी परमिशन ली, इंटरनेशनल लेवल पर इसे खिलाना शुरू कर दिया। ठीक है, तो पूछा जाता है कि मॉडर्न, ये जो दोबारा जो हमारा ओलंपिक हुआ वो हमारा हुआ मॉडर्न ओलंपिक, वो पुराना था, बीच में बंद हो गया। 394 AD में ओलंपिक गेम क्या हो गया, बंद हो गया। ठीक है, तो दोबारा शुरुआत करवाने वाले कौन थे, फ्रेंच बोरॉन, ये फ्रेंच के थे बोरॉन, मतलब पादरी जो थे पेरी डी कोबर्टिन, इन्होंने इसका शुरुआत किया 1894 AD में। ओके, लेकिन 1894 AD में रिवाइव हो गया था पबजी, आप लोगों ने खेला होगा रिवाइव। ओके, तो रिवाइव हो गया था, यानी ये जिंदा हो चुका है, अब परमिशन मिल चुकी है कि ये गेम खेला जाएगा। लेकिन 1894 में गेम खेला नहीं गया, तो पहला गेम खेला गया 6 अप्रैल 1896। ओके, एथेंस में गेम पहला 1896 में खेला गया। ओके, तो मॉडर्न ओलंपिक सबसे पहले कब खेला गया, तो 1896 में, 6 अप्रैल 1896 में। कब बंद हुआ था, 394 में। सबसे पहले कब खेला गया था, तो देखिए दोनों में फर्क है, एक ओलंपिक सबसे पहले कब खेला गया, तो 776 में, और मॉडर्न ओलंपिक सबसे पहले कब खेला गया, तो 1896 में। ओके, तो मॉडर्न ओलंपिक में पहले वुमेन्स को अलाउ नहीं था, जो मॉडर्न ओलंपिक ये जो है 1896 में जो खेला जा रहा है, हर 4 साल को ओलंपिक खेला जाता था, इंटरवल ऑफ एवरी 4 ईयर, हर 4 साल के इंटरवल पे क्या कह रहा था, मॉडर्न ओलंपिक खेला जाता था। यानी पहला अगर 1896 में हुआ तो दूसरा 1900 में होगा, तीसरा हमारा 1904 में होगा, चौथा हमारा 1908, ऐसे करके ओलंपिक गेम खेला जाएगा। तो इसमें वुमेन्स को परमिशन नहीं थी। 1912 में जो हमारा ओलंपिक गेम हुआ उसमें वुमेन को परमिशन मिला ओलंपिक गेम में ऑफिशियली पार्टिसिपेट लेने के लिए। ओके, 1912 में, और 1900 में ओलंपिक गेम हुआ था, उसमें एक इंडियन, इसमें जो इंडियन थे हमारे नेमान, उनका नाम है पूरा, ठीक है, वो क्या था, उन्होंने सिल्वर मेडल लिया था एथलीट्स के लिए। ओके, देखिए 1896 में सबसे पहले खेला गया, 1900 में इंडियन नेमान ने क्या किया था, एथलीट्स के लिए सिल्वर मेडल लिया था। 1912 में वुमेन को ये परमिशन मिला कि वो भी ओलंपिक में पार्टिसिपेट कर सकती हैं, और फिर जा करके 1920 में इंडिया जो है ऑफिशियली ओलंपिक में पार्टिसिपेट कर सकता है। इंडिया को परमिशन कब मिला, इंडिया ऑफिशियली कब पार्टिसिपेट कर रहा है ओलंपिक में, तो इंडिया ऑफिशियली पार्टिसिपेट कर रहा है 1920 में, उससे पहले इंडिया ऑफिशियली पार्टिसिपेट नहीं करता था। ओके, देखिए 1896 में ये शुरू होता है। ओके, और इंडिया पार्टिसिपेट कब कर रहा है, 1920 में, यानी कौन सा मैच है, पहला मैच, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवा, सेवन्थ ओलंपिक गेम जो था, सेवन्थ ओलंपिक गेम से क्या है, हम जो इंडियंस हैं वो क्या है, ओलंपिक गेम में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, हर 4 साल पे होता है हमारा समर ओलंपिक, समर ओलंपिक की बात हो रही है। विंटर ओलंपिक शुरू होता है 1924 से। देखिए हिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स में ओलंपिक बहुत ही खास है। ठीक है, हम लोगों ने 4 गेम देखा, लेकिन चारों गेम में ओलंपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, इसलिए ओलंपिक को इन डिटेल जानना बहुत ही ज़रूरी है। 1924 से हमारा शुरू होता है विंटर ओलंपिक। विंटर ओलंपिक तो पहले क्या था, समर ओलंपिक और विंटर ओलंपिक एक साथ खेले जाते थे। ओके, समर में समर ओलंपिक, विंटर में विंटर ओलंपिक, लेकिन बाद में 1996 के बाद समर ओलंपिक और विंटर ओलंपिक को अलग अलग कर दिया गया, यानी 4 साल ही खेले जाते हैं। यानी मान लीजिए, मैं आपको बस एक एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर 2000 में समर ओलंपिक खेला गया है तो फिर नेक्स्ट समर ओलंपिक 2004 में खेला जाएगा। ओके, लेकिन विंटर ओलंपिक होगा 2002 में, और नेक्स्ट विंटर ओलंपिक होगा 2006 में। तो आप देख सकते हैं कि समर ओलंपिक और समर ओलंपिक के बीच का गैपिंग कितना है, 4 साल। समर ओलंपिक और समर ओलंपिक के बीच का गैपिंग कितना, 4 साल। आज भी जो ओलंपिक गेम है 4 साल के इंटरवल पे खेला जाता है। विंटर ओलंपिक और विंटर ओलंपिक के बीच का गैपिंग कितना है, 4 साल, 2002। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ अपने से, खुद से, ठीक है, अच्छा। लेकिन समर ओलंपिक और विंटर ओलंपिक के बीच का गैपिंग कितना है, 2 साल। यानी समर समर के बीच का गैपिंग है 4, विंटर विंटर के बीच का गैपिंग है 4, लेकिन समर और विंटर के बीच का गैपिंग कितना है, 2। इस बात को थोड़ा सा याद रखेंगे तो ये हमारा क्या है, ओलंपिक गेम्स। और हाँ, उस जमाने में जब कोई विनर होता था तो उसे जैतून का जो पत्ता होता है, जैतून जो तेल हम लोग यूज़ करते हैं, उसका जो पत्ता होता है उसका क्या कहते हैं, उसे ताज पहनाया जाता था। अक्सर आप लोगों ने पुरानी टीवी वगैरह में, फिल्मों वगैरह में देखा होगा अक्सर। ठीक है, तो ये छोटा सा था हमारा ये ओलंपिक गेम्स के बारे में। और इसमें एक और बात, ओलंपिक जो रिंग होती है, ओलंपिक का जो सैम्बल होता है, उसमें 5 रिंग बने होते हैं, 5 अलग अलग कलर का, इसका एक अपना मीनिंग होता है।
तो आप लोग इसे पहले देख लें तो मैं उसे बताता हूँ उसका क्या मतलब होता है। ओलंपिक का जो सैंपल होता है वो 5 कलर का रिंग होता है, आप लोगों ने देखा होगा, सबों ने देखा होगा, अगर नहीं देखा तो आप लोग मार के देखें ओलंपिक सैंपल, ओलंपिक रिंग, गूगल पे आप लोग को कुछ ऐसा दिखाएगा। ओके, ऐसे कुछ रिंग होते हैं, फर्स्ट रिंग, सेकेंड रिंग, थर्ड रिंग, ऐसे करके 5 रिंग बने होते हैं, है ना। तो पहला जो रिंग होता है वो ब्लू कलर का होता है, ओके। सेकेंड जो रिंग होता है वो हमारा येलो होता है, थर्ड ब्लैक, ओके, उसके बाद रेड, उसके बाद ग्रीन, ओके। 5 रिंग 5 कलर के। तो जो पहला रिंग है हमारा ब्लू, ये दिखाता है यूरोप को। हर कलर, हर रिंग किसी देश को नहीं, एक कॉन्टिनेंट को दिखाता है। जैसे कि जो हमारा इंडिया है वो एशिया कॉन्टिनेंट में है, कॉन्टिनेंट एशिया में है, ठीक उसी तरह कॉन्टिनेंट बहुत बड़े इलाके, बहुत बड़े जमीन को कॉन्टिनेंट कहा जाता है। तो ये जो 5 रिंग है, जो 5 कलर है, ब्लू, येलो, ब्लैक, रेड, ग्रीन, ये 5 अलग अलग कलर अलग अलग कॉन्टिनेंट को दिखाते हैं। जैसे कि येलो, येलो दिखाते हैं एशिया को, ब्लैक अफ्रीका को, रेड अमेरिका को, और ग्रीन ऑस्ट्रेलिया को, ठीक है। अगर आपसे पूछते एग्जाम में तो बात को ध्यान रखिएगा, 5 रिंग होते हैं, 5 कलर क्या होता है, ब्लू, येलो, ब्लैक, रेड, ग्रीन। अच्छा, ब्लू कलर रिप्रेजेंट करता है यूरोप कॉन्टिनेंट को, येलो एशिया को, ब्लैक अफ्रीका को, रेड अमेरिका को, और ग्रीन ऑस्ट्रेलिया को। ये छोटा सा था हमारा हिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स। अब हम लोग आगे देखते हैं हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट एंड फुटबॉल। नेक्स्ट मैंने कहा कि मैं आपको हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट एंड फुटबॉल बताता हूँ, लेकिन वीडियो बहुत ही लंबा हो रहा है तो आज वीडियो यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोग को हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट, फुटबॉल, म्यूजिक, ड्रेस, फूड, ट्रैवल, ये सब बताऊंगा, और वीडियो जितना शॉर्ट हो सके मैं उतना शॉर्ट करने की कोशिश करूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ साथ बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। इससे हमें भी क्या मिलता है, मोटिवेशन मिलता है। ओके, तो नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें मैं आप लोग को बुक एंड ऑथर्स मैं आपको पढ़ाऊंगा। बहुत सारे क्वेश्चंस मांगते हैं, जैसे कि मैंने पहले बोला, तो मैं जब पढ़ाऊंगा ना उस वक्त आपको क्वेश्चंस देते चलूंगा, ठीक है। तो बुक्स एंड ऑथर, इंपॉर्टेंट डेट, शॉर्ट क्वेश्चंस जो भी होंगे, एक मास रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं मैं आपको क्या करूँगा, प्रोवाइड करूंगा। और जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तो लास्ट में जो क्वेश्चंस बच जाएंगे, जो छूट जाएंगे, ठीक है, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना करके मैं आप लोग को वो दे दूंगा। यानी अगर आप सारा वीडियो अगर लाइन से पढ़ते हैं तो आपके पास बहुत सारा क्वेश्चंस हो जाएंगे, और जो एक आध क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन बच जाएंगे उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। यानी इस चैप्टर के जितने वीडियो आप अगर मेरे सारे देख लेंगे तो आपका क्वेश्चन जो है वो सारा कंप्लीट हो जाएगा। और जितने भी क्वेश्चन होंगे जो मैं दूंगा, मैं कोशिश करूंगा आपको वही क्वेश्चन दूं जो मध्यावधि में पूछे जाते हैं, जो ABTM में या फिर 10 ईयर क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं, ओके। और जो नहीं भी पूछे गए हैं या कभी नहीं आए हैं लेकिन इंपॉर्टेंट हैं, जो आ सकते हैं या पूछे जा सकते हैं, ओके। तो बने रहे हमारे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में।